हम काफी समय बाद थाने पीएफ ऑफिस विजिट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री है, आपको सारी चीजें हम बताएंगे कि क्या टाइमिंग आपको कब आना चाहिए और किस तरीके से जो पीआरओ है वो आपको फॉर्म लेते हैं। और अब काफी अच्छी फैसिलिटी एक और प्रोवाइड की गई है, तो क्या है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के इसके लिए बनाते हैं ताकि आपको हम प्रूफ दे सके। एक दो मिनट की वीडियो बनाते हैं, प्रूफ देने के लिए हमारा मेन एम यही है। और अगर आपको भी अपना फॉर्म जो है थाने पीएफ ऑफिस में सबमिट करवाना है तो आप करवा सकते हैं। ओके, हमारे थ्रू हम विजिट करते हैं, हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं और जो है उससे आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पहले देखते हैं कि क्या आपने सही डॉक्यूमेंट दिया है, सारी चीज़ें देखने के बाद हम आपका काम लेते हैं। तो अगर आप भी कोई अदर स्टेट से और आपका पीएफ ऑफिस मुंबई जैसे पीएफ ऑफिस में है, थाने हो, वाशी हो, बांद्रा हो, कांदिवली हो, तो इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है एक और फैसिलिटी दी गई है, वो ये है कि अब आपका जो भी फॉर्म है, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, ओके, तो वो यहाँ पे जो पीआरओ होते हैं वो देखेंगे बैठ के। ओके, अगर उनको लगेगा सब सही है तो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे और बोलेंगे आप जा सकते हैं, आपको रिसीविंग दे देंगे और आप जा सकते हैं घर पे। और जहाँ तक इंक्वायरी का टाइम है, एक टाइम होता है टोकन नंबर मिलने का, वो 4 बजे तक होता है, यानी शाम के 4 बजे से पहले अगर आप आएंगे तो टोकन नंबर मिलेगा, अगर इसके बाद आएंगे तो आपको टोकन नंबर नहीं दिया जाएगा, फिर आपको अगले दिन आना होगा। तो मेक श्योर आप जो है, मैं तो यही कहता हूँ कि सुबह ही चले जाइए, विजिट कर लीजिए। ओके, 11-12 बजे पहुंच जाइए, आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको प्रोवाइड करना था। ओके, थाने पीएफ ऑफिस को लेते हुए तो अभी सारे काम जो है नीचे ही होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे पहले 5th फ्लोर पे हुआ करता था, अब सारे काम नीचे ही किए जाते हैं, इंक्वायरी से लेके करेक्शन से सारी चीज़ें वहाँ पे ली जाती है। तो